फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम ढूंढने जाने वाले हैं क्रैब। तो पापा खा बोलो था कुछ 20 रुपये। तो हमारे गांव का इधर जो सारे खेती वाती वहाँ पर है ना, वहाँ पर हम ढूंढने जाएंगे। अगर मिले तो लग अच्छा है, अगर ना मिले तो लग। तो जो मैंने फ़ोन पे देखा था बहुत सारे कि मतलब क्रैब ढूंढ के मतलब ना उसका चटनी बना के खाते हैं, तो वही मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। ढूंढने जाने वाले तो चलो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं खेती पे। अभी भी वेट करूँ। हाय साइड पे मतलब ऐसा होल होता है, तो ऐसे जगह पे मतलब होता है। तो गाइस देखो एक स्नेल। पापा ने बोला कि इसको भी खा सकते हैं, पर ये एक ही है, तो फिर हमने इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर एक होल है, मैंने आपको बोला था कि होल में क्रैब मिलता है, पर यहाँ पर मतलब और भी मिट्टी होना चाहिए, पर यहाँ पर नहीं है। वो पानी में रख देते हैं क्योंकि ये पानी में ही रहता है, अगर ऊपर छोड़ा तो फिर वो मर भी सकता है।
नहीं है। तो गाइस बाद में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, क्योंकि ना आज हम खाने वाले मुर्गी। तो मम्मी ने बोला कि आज हम बहुत दिनों से मुर्गी नहीं खाएंगे, तो मम्मी ने बोला कि आज हम मुर्गी। फ्रेंड्स मम्मी ने बोला था कि जंगल बहुत हो चुका है घर में, मतलब गंदा भी दिख रहा है तो साफ करो, पर पापा ना बोल रहा था तो आज गाली खाया है पापा ने, तो इसलिए साफ कर रहा है। ये सब भी देखो, ये सब भी गंदा है, कितना गंदा है देखो। तो बहुत गंदगी हो चुकी है, तो वही पापा को साफ करने दे रहा है, पर कोई बात नहीं गाइस, अभी पापा साफ कर लेना, पूरा जंगल साफ पड़ेगा। पापा ये आम का पेड़ है ना, पहले जंगल उगा दे। तो गाइस ये आम का पेड़ देखो, और आम का खुशबू, मतलब ये सारे आम का खुशबू अलग तरह का होता है कि सबको पता ही चल जाता है कि कौन सा आम का पेड़ है। तो पापा बोल रहे हैं कि ये आम का पेड़ को कहीं और लगाएंगे बाद में, ये जंगल साफ करने के बाद। ये फिर कल बोला अगर जंगल साफ करने के बाद टाइम मिले तो फिर पापा करेंगे, अगर टाइम ना मिला तो फिर कॉल करेंगे। तो अभी के लिए वेट कीजिए, तो अब तक के लिए बाद में बात करते हैं गाइस।